मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक छोटे से शहर में हुआ था और इनके पास 3 भाई बहन थे जिसमें से ये सबसे छोटी थी। कौन थी मदर टेरेसा? इनका बचपन का नाम था एग्नेस और इनके जो पिता थे वो भवन निर्माता थे। इसके बाद इन्होंने 12 वर्ष के आयु में ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर ली थी और 18 वर्ष में इन्होंने नन यानी ईसाई सन्यासी की एक संस्था था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो से जुड़ गई। इसके बाद इन्होंने डबलिंग में इसका प्रशिक्षण किया और 1931 से 1948 तक इसमें अध्यापन जो है कोलकाता में सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य की। इसके बाद इन्हें जो है असहयोग जो थे, दीन दुखी थे, गरीब थे, उनकी जो असहनीय पीड़ा थी उनसे देख नहीं गई। तो इन्होंने क्या किया कि 1948 में जो अध्यापन काम 1931 से 1948 के बीच था इनका, तो 1948 में ये अध्यापन का स्थापना पत्र दे दिया अध्यापन कार्य से और ये कोलकाता के मलिन बस्ती में ही जाकर उन लोगों की सेवा करने लगी। जबकि उस समय इनके पास न तो पैसे थे न ही कोई इनका सहयोग करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे जो समाज सेवी थे वो इनका सहयोग भी करने लगे और आर्थिक सहयोग भी मिलने लगा। इसके बाद इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी 1950 में मानवता की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था का इन्होंने स्थापना की जिसमें कि 120 देश शामिल है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चों और गरीबों की मदद से जुड़ी हुई ये संस्था थी। इसके बाद इनका जो दिल था बहुत ही नरम और सहनशील था। इसके बाद इन्हें कुछ उपाधियां भी और पुरस्कार भी दिए गए और इनको जैसे उसमें कि भारत रत्न, मैग्सेस पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। और ये जो है हृदय रोग से पीड़ित थी, बल्कि अपने रोग को इन लोगों के बीच में आड़े नहीं आने दिया। अब वो गरीबों और दीन दुखियों की सेवा में लगातार लगी रही। ये नहीं वो सोचती थी कि मैं भी एक किसी चीज की पेशेंट हूँ, ये कभी भी किसी को जताया नहीं। 5 सितंबर सन 1947 को ये सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली यानी पंच तत्व में ये विलीन हो गई यानी मर गई 5 सितंबर 1947 को। 5 सितंबर को टीचर्स डे भी होता है लेकिन सन अलग है। तो 5 सितंबर 1947 में इनका मृत्यु हो गया। इन्हें जो है भारत सहित अन्य देशों ने भी भावभीनी हिसाब से श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि का मतलब होता है श्रद्धा प्रकट करने हेतु दिए गए कहे गए शब्द। श्रद्धा जिसमें प्रकट होता है उस प्रकट करने हेतु जो कहा जाता है शब्द उसे क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि कहते हैं। इसके बाद ये प्रेरणा स्रोत कहती हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और हमें ईश्वर जैसे हम सबको एक रखता है वैसे ही हमें अपने हृदय में, अपने देश में, अपने विश्व में, अपने घर में हमेशा शांति ला सकती है ये हमारी प्रेम। तो ये रहा अभी हमने आपको ये छोटे से सार के रूप में इस लेसन का अर्थ बताया। अब आगे चलते हैं, इसमें मीनिंग है उसको राइट करते हैं बच्चों हम लोग। चलिए मीनिंग राइट करते हैं। करुणा यानी दया, व्याकुल
बेचैन ऊपर वाला कर लिए होंगे।
प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत। इसको आप राइट कर लीजिए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गॉड है मदर टेरेसा के पिता थे, तो मदर टेरेसा के पिता थे, क्या थे? अभी हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है भवन निर्माता, पुल निर्माता और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी इनके पिता के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो क्या थे? भवन निर्माता यानी घर बनाने वाले। इस पे आप राइट कर दीजिए। ख है निस्वार्थ, नियम स्वार्थ भाव से, भाव से गरीबों की सेवा में कौन जुट गए, कौन जुट गए। देखिए अभी आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिया है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और वह दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अब जब हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में कौन जुट गया था? मदर टेरेसा। कौन सा ऑप्शन सही है? वो ऑप्शन सही है मदर टेरेसा। इसको आप राइट कर लीजिए। अब ग है मदर टेरेसा, के बचपन का नाम था, मदर टेरेसा के बचपन का नाम था एग्नेस, मैग्नेस, फेरी, इनमें से कोई नहीं। तभी हमने आपको बताया है क्या नाम था, एग्नेस। एग्नेस पे राइट कर लीजिए। इसके बाद घ है दया की देवी, दया की देवी किसे कहते थे, किसे कहते थे? दया की देवी और ईसाइयों की, दया की देवी और गरीबों की मसीहा, दोनों किसे कहते थे? तो देखिए दिया इसमें मदर टेरेसा को, सोनिया को, इंदिरा गांधी को, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग मदर टेरेसा चैप्टर
पढ़ रहे हैं। तो दया की देवी और गरीबों की मसीहा, ये दोनों शब्द किसको कहते थे? मदर टेरेसा। और ऑप्शन सही है, इसको हम राइट कर लीजिए, मदर टेरेसा को। अब ये चारों ऑप्शन सही कर लीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कौन है? मदर टेरेसा, अपने तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी थी, मदर टेरेसा मदर टेरेसा बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। मदर टेरेसा को लोग दया की देवी कहकर पुकारते हैं। अगले मदर टेरेसा राष्ट्रपति भी रह
चुकी है। देखिए आइए चलते हैं, इसमें हम ट्रू फॉल्स करते हैं। देखिए दिया है, मदर टेरेसा अपने तीनों भाइयों बहनों में सबसे छोटी थी, तो ये क्या है? राइट है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था लगभग 120 देशों में कार्य कर रही थी, तो ये भी क्या है? राइट है। और किस किस क्षेत्र में रहता? तो वो था शिक्षा में, नशा मुक्ति में और स्वास्थ्य में। शिक्षा, नशा मुक्ति, स्वास्थ्य और अनाथ बच्चों और गरीबों, ये क्षेत्र थे। और 120 देशों में उनकी संस्था जो है वो काम कर रही थी। मदर टेरेसा बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो समाज सेवी बनना चाहती थी और समाज सेविका ही बनी। मदर टेरेसा को लोग दया की देवी कहकर पुकारते हैं, ये बात राइट है। उन्हें दया की देवी और गरीबों की मसीहा लोग कहते थे। इसके बाद है मदर टेरेसा भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी थी, ये बात गलत है। आप इसको राइट कर लीजिए, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा रॉन्ग, चौथा ट्रू और पांचवा रॉन्ग। इसको आप राइट कर लीजिए बच्चों। देखिए ये बुक वर्क था, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बुक वर्क था, अभी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है प्रश्नों के उत्तर वो कॉपी वर्क है, उसको हम लोग कल राइट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट।